मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी हो गई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल गुरुवार को सुनवाई होनी है। बता दें कि ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं, ने पूजा सिंघल को दोषी मान लिया है। पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला चलेगा। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला से जुड़े आरोप में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी का दावा है कि झारखंड में 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि में हुआ जब सिंघल खूंटी की डीसी थी। बताते चले कि ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किए पिटीशन में ईडी की ओर से उन पर लगाए चार्ज को निराधार बताया था। उधर ईडी ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन का विरोध किया था और अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त था साक्ष्य और दस्तावेज है। ईडी पूजा सिंघल, उनके पति के सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चूंकि आज आरोप तय हो गया है तो पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।